हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। चलिए तो अब बिल्कुल बिना देरी किए हुए हम सीधा चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए क्या आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो क्यों है। अब तक पहले हम थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, देन आई विल स्टार्ट दिस क्लास। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारा फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं देख के आए होंगे, और हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको भी साथ में लेके चलना है। हमें उन टीचर्स में से नहीं बनना है जो केवल स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं, हमें उनको भी खींचना है। जामिया से हमने क्या सीखा, जामिया से हमने ये सीखा कि हमें ऐसा टीचर बनना है जो क्लास में उन बच्चों को ज़्यादा खींचते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा उन पर फोकस करते हैं जो वीक हैं। ठीक है, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि जिन्होंने 1 से 4 तक देख रखा है उनके लिए हम सीधा बता दें, नहीं, हम हर वीडियो में सारे बच्चों को साथ में लेके चलेंगे। ऑल आर इक्वल फॉर अस। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था इंट्रोडक्शन कि जीआईएस क्या है, जीआईएस को कौन सी कंपनी बनाती है, इसरी बनाती है। ठीक है, जीआईएस बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है इसरी सारे। तो इस तरीके से मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, कि जीआईएस एक सॉफ्टवेयर होता है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड लेक्चर में मैंने फिर से आपको थोड़ा और इंट्रोडक्शन दिया था कि सेकेंड लेक्चर में हमारा था कि व्हाट इज अ शेप फाइल। तो शेप फाइल जो एक फॉर्मेट होता है, जैसे .PDF होता है और आपका वर्ड फाइल की फॉर्मेट्स होते हैं, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही शेप फाइल क्या है, एक फॉर्मेट है। और शेप फाइल को पहचानते कैसे हैं, उसके पीछे .SHP लिखा होता है। और शेप फाइल की, एक मिनट में ये नोटपैड और ओपन कर लेता, ठीक है। अब देखो शेप फाइल का क्या होता है, शेप फाइल की जो है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, शेप फाइल की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप शेप फाइल जो है ArcGIS में भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, और शेप फाइल को आप QGIS में भी कर सकते हो। तो ये तो होता है आपका शेप फाइल का फायदा, लेकिन शेप फाइल का एक नुकसान भी है। एंड वॉट इज दैट डीमेरिट, नुकसान क्या है कि जो शेप फाइल है उनके कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि शादी में अगर मैंने मान लो बुलाया अपने एक फ्रेंड को कि इफ्तिकार भाई आप शादी में इनवाइटेड हैं और आप आ जाइए। अब इफ्तिकार भाई जो है ले आए फैजान भाई को भी ले आए, रईस को भी ले आए, ठीक है, और कई लोगों को लिया है। तो जो इफ्तकार भाई थे वो है हमारी शेप फाइल, ठीक है, क्योंकि हमने उनको बुलाया, हम उन पे काम करेंगे, ठीक है। अब उनके साथ में ये जो लोग आए साथ में, ठीक है, क्योंकि ये इनके भी फ्रेंड हैं, ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि भाई जब हम इतने इम्पोर्टेंट हैं तो हमारे लिए ये लोग भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि हमारे काम करने के लिए, मतलब जो पार्टी थी उसमें मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, इफ्तकार, इफ्तकार के लिए इम्पोर्टेंट कौन है, फैजान और रईस। तो क्या हुआ, टोटल मिलाकर ये हुआ कि ये वाला जो पूरा एक्सटेंशन है ये शेप फाइल कब बनेगी, जब हमारे पास ये भी होंगे और ये भी होंगे, वरना पार्टी में कोई नहीं आएगा, पार्टी में कोई नहीं आएगा तो पार्टी होगी नहीं। तो कुल मिला के क्या होता है कि शेप फाइल इज अ फाइल विच हैव एक्सटेंशंस, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आते हैं उसके साथ में। मैंने आपको पहले बताया था .SHP भी आएगा, .PRJ भी आएगा, ठीक है, इस तरह। चलिए तो और डिटेल में जानना है तो आप और पिछले वीडियो को आप एक बार देख लेना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो नाउ, और उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में क्या सीखा था, थर्ड लेक्चर में हमने सीखा जो है ऊपर ये मेन्यू बार क्या है, हमारे टूल बार्स के नाम क्या होते हैं,
और फोर्थ लेक्चर में हमने कैसे सीखा कि हाउ टू रिमूव द टूल बार्स, हाउ टू ऐड द टूल बार्स। अब देखो, अब हमारा क्या हो गया कि अब हमारा क्या है कि ये सारा सब कुछ सेट हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नाउ वी वॉन्ट टू वर्क इन आर जी आई एस। सो नाउ इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट वर्किंग इन आर जी आई एस, तो सबसे पहले देखो, आंखें खोल के देखो आपको क्या दिख रहा है। मैं जब इस पे अपना ये कर्सर घुमा रहा हूं तो आपको यहाँ पे पूरे स्क्रीन में यहाँ 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 कोई एक चीज आपको दिख रही होगी चलती फिरती। अगर आपने नहीं देखा तो अब देखो, यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट में ला रहा हूं, 1 12 13 इधर लाया, 1479 इधर लाया, 12 5 इधर लाया, 1192 इधर लाया, 1473। तो भाई एक चीज देखो कि मैं यहां पर कुछ भी कर रहा हूं, कोई भी मूवमेंट कर रहा हूं, इफ आई एम मूविंग हियर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो क्या हो रहा है, एक कोई वैल्यू है। यहां लिखा है अनोन यूनिट्स, और ये अनोन यूनिट्स क्या हो रहा है, ये अनोन यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। लेफ्ट जा रहा हूं तो देखो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 100 है, अब देखो और हो गया, अब माइनस में चला गया, अब और माइनस में चला गया, और लास्ट 577 पर रुक गया, और इधर 1579 पर रुक गया। ऊपर टॉप में देखो तो 412 और 268 997 पर रुक गया। अब नीचे आता हूँ तो 338 पॉइंट, सॉरी 338, सॉरी 383.7381.427 पे। तो अब देखो ये आ क्या रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर जी आई को स्टार्ट करने से पहले, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। क्लिक करो, क्लिक करके कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ठीक है। इनके बारे में मैं कोई भी चीज नहीं पता चल रही, इस पे क्लिक करने पे। और जब मैं इस पे कर रहा हूं क्लिक, डबल क्लिक कर रहा हूं मैं, तो ऐसा कुछ ओपन करके आता है, ठीक है। ये कस्टमाइज टूल बार्स के बारे में है, एडिटर मुझे ये टूल बार्स। चलिए तो देखो ऐसे करते करते हमें एक चीज और पता चल गई। हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया, एक मिनट इसको क्लोज कर देते हैं पहले, नाउ क्लोज। कि अब तक हम क्या कर रहे थे कि जब भी हमें कोई भी टूल बार लिखना था तो हम लगाते थे फॉर्मूला सी टी, कस्टमाइज देन टूल बार्स। अब हमें एक चीज और पता चल गई, अब अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे, ये जो नंबर है इन पे डबल क्लिक। और जब यहाँ डबल क्लिक हम कर रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है, कस्टमाइज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो और हमें इनमें से कोई भी टूल चाहिए, देन वी कैन चेक दिस बॉक्स, एंड इफ वी वॉन्ट टू डिलीट समथिंग वी कैन अनचेक। तो चलिए हम टूल्स, लेट्स अनचेक द टूल्स बार। देखो यहां से गायब हो गया, इट मीन्स ये बहुत अच्छा है, आपको जो लेना है आप क्लिक करते जाओ ऐसे, हैंग कर गया, ठीक है। तो देखो जो जो हमें चाहिए था वो हमने वहां से ले लिया, ठीक है। तो अब हम इस ऐसे ही किया करेंगे, हम इतना सीटी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, काफी लॉन्ग पड़ता है। अब हम यहाँ पर 3D एनालिस्ट चाहिए, ये मिल गया, ठीक है, ये यहाँ लगा दिया। अब मेरे को एडवांस्ड एडिटिंग चाहिए, ये मेरे को मिल गया, तो ये यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को एनिमेशन चाहिए, तो मैंने एनिमेशन उठा के एनिमेशन यहाँ लगा दिया। तो कुल मिला के हमने क्या सीख लिया, सुबह सुबह हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक नई कमांड पता चली कि ये जो दिख रहा है तो यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना है, तो इससे हमारा कस्टमाइज वाला जो बटन है, जो मेन्यू बार में हमें डिस्क खाने को मिल रही थी कि भाई आपको कस्टमाइज के अंदर ये सब खाने को मिल जाएगा, तो कस्टमाइज में हमें मिला रहा टूल बार्स, कमांड्स, ठीक है, ऑप्शंस। तो ये सारे जो है हमें ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, टूल्स बार का, कमांड्स का और ऑप्शंस का, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं।
चलिए, देन अगेन वी विल रिवर्ट बैक टू दिस। तो आखिर ये है क्या? जब जब मैं अपना कर्सर यहां से वहां मूव कर रहा हूं, वेयर एवर आई एम गोइंग, दिस इज चेंजिंग। तो देखो, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो, अब अगर हमें काम करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इस डेटा फ्रेम का, इस वी आर वर्किंग, वी आर गोइंग टू वर्क इन दिस डेटा फ्रेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात एक तरह से ऐसे समझ लो, जब हम ऑटोकैड में काम करते थे, ठीक है, तो वहां पे हम एक स्केल सेट करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे स्केल भी सेट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम सारा जितना भी लोकेशन होता है, जैसे हम ऑटोकैड में बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कभी भी प्लॉट की लोकेशन, जैसे मान लो मैंने एक नक्शा बनाया वहां पे, यहाँ बना दिया, ठीक है, मैंने एक मैप बना दिया कि भाई ये मैप है, इसके अंदर यहाँ से कार की पार्किंग होगी और हम ऐसे अंदर जाएंगे, यहाँ से कुछ इस तरह का हमारा एंट्रेंस होगा, यहाँ से मैं अंदर गया और अंदर जाने के बाद जो है यहाँ पे हमारा डाइनिंग हॉल है, जो भी है यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम है, कुछ इस तरीके का। तो ये जो प्लॉट होता है, इस प्लॉट की लोकेशन क्या होती है? नॉट फिक्स्ड, लोकेशन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैड में कहीं भी बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ 10 फिट का रोड बना दिया भाई, कि ये हमने रोड लिख दिया। बट ऑटो कैड में ऐसा हो जाता है, बट इन आर्क जीआईएस में क्या होता है कि आप वहीं रख सकते हो किसी भी चीज को जो उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, तो क्या होता है काफी बार, और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि अब देखो क्यों ऑटोकैड में क्या होता है कि हम बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो हमें पता होता है कि बगल वाला प्लॉट वर्मा जी का है, राइट वाला खान साहब का है और बीच वाला प्लॉट हमारा है। लेकिन क्योंकि आर्क जीआईएस में क्या है, एक डॉट पूरे एक विलेज को एग्जिबिट करती है, कर सकती है, एक डॉट पूरा एक कंट्री को भी एग्जिबिट कर सकती है, ठीक है, और वही एक डॉट एक छोटे से घर को भी, रेजिडेंस को भी कर सकती है, ठीक है। और तो मतलब हमारा कहने का ये मतलब, और एक लाइन जो एक ऐसी लाइन है वो एक बहुत बड़ी रिवर को कर सकती है, एक डॉट पॉन्ड को भी कर सकता है। तो इसका मतलब कुल मिला के आप शॉर्ट में ये समझो कि जो हमारा आर्क जीआईएस है उसके अंदर हर छोटी से छोटी चीज भी किसी बहुत बड़ी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर ये बाहर से ऐसे दिख रहा है पॉइंट, तो ये अंदर अगर इसको जूम करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ बहुत बड़ा होगा। और हमें हर चीज की लोकेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए आर्क जीआईएस के अंदर, कि इस ए की लोकेशन क्या है, बी की लोकेशन क्या है, सी की लोकेशन क्या है और डी। तो आर्क जीआईएस में क्या होता है, ऑटोकैड की तरह नहीं होता कि आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अब हमें लोकेशन देखो पता क्यों होती है, पता कैसे चलती, वो हमें पता चलती है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि दिस इज कॉल्ड एक्स एंड दिस इज कॉल्ड वाई, ओके। और फिर ऐसे होता है कि मान लो मेरा ये लोकेशन है, मैं यहां पे बैठा हूं इस पॉइंट पर, ठीक है, आई एम सिटिंग ओवर हियर। अब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे ये लोकेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब मान लो इस, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 4, ओके। तो फर्स्ट क्या होता है, एक्स होता है कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई होता है। तो हम एक्स बार पे कितना चलेंगे, 5 की, 1, 2, 3, 4, 5, और वाई पे कितना है हमारा, वाई पे हमारा 4, तो हम जाएंगे 4 की, 1, 2, 3 एंड 4, 4 यहाँ गया और 5 हमारा
और 5 हमारा यहाँ गया, ये पॉइंट आ गया और ये हमारी वो लोकेशन हो गई। तो इसी तरीके से हम हर चीज की लोकेशन हमें पता होना चाहिए आरजीआईएस में, क्योंकि जब आपने मान लो ये बना दिया कि भाई यहाँ पे बनेगा तालाब, ठीक है, यहाँ बनेगा तालाब या यहाँ पर बनेगा कुछ भी, चलो एक मैप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो एक पे मैंने वर्क किया था तो ये शेप फाइल थी, अब इसको इसको मैं ड्रैग करके ले गया यहाँ पे, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे फाइल ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने ये काम किया, ठीक है, इस पे, तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये पॉइंट की लोकेशन क्या है, ठीक है, और जो है यहाँ पर अथागढ़ है तो अथागढ़ की लोकेशन क्या है, मान लो मैं एक नया ब्लॉक बना रहा हूँ यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ तो वो कहाँ ऐड होगा, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे ढूंढ तोड़ ना सकते हैं कि शर्मा जी का घर यहाँ पे है, खान साहब का घर यहाँ पे, हमें तो उसकी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पता होने चाहिए, तभी तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखो, मैं जैसे जैसे मैप, जैसे मैंने यहाँ पे लाया, ठीक है, यहाँ पे नियाली है, इस मतलब ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का नाम है नियाली, तो नियाली के देखो मुझे यहाँ पर मैंने कर्सर रखा तो यहाँ मुझे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मिल गए, यहाँ पे मैंने रखा तो यहाँ पे, ठीक है। और अब आप एक चीज़ देखो कि जब मैंने ये फाइल नहीं रखी थी, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, पूरा सारा ही हटा देता हूं उसको, तो फिर से एक बार ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखो इसलिए आप कुल मिला के ये समझो कि जब भी हम आर्कजीआईएस में काम करेंगे तो क्योंकि इसकी स्क्रीन पर भी चल रहा था और हमें किसी भी पॉइंट को हम कोई चीज बनाएंगे उसमें क्रिएट करेंगे तो हमें उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है जिनको आप एक्स वाई बोलते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अब हमने क्या किया, अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, क्यों हमने पता करे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए किसी भी चीज की। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता होती है, जब हमें उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, ठीक है। अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो हमें अपनी लोकेशन उस चीज की सही से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब चलो, अब देखो कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, अब क्योंकि हम सबसे पहले ये मैंने ओपन किया, मैं इसको लेट्स क्लोज दिस, अब देखो तो ये देखो यहाँ पे देखो ये कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स, जहां जहां पे मेरा ये हाथ घूम रहा है ना, पैन, आई एम पैनिंग, सो दिस इज शोइंग कोऑर्डिनेट्स, ओके। अब देखो, अब हम इस डेटा फ्रेम में काम करने वाले हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट सेट करेंगे कि भाई हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अब एक्स और वाई की वैल्यू हमें किस में चाहिए, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है नहीं, हमने पढ़ाए हैं काफी सारे कोऑर्डिनेट्स जिनमें से दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट का पहले का नाम है GCS और सेकंड का नाम है PCS। तो चलो आई कैन राइट हियर, सो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज GCS, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। एंड व्हाट इज सेकंड, सेकंड इज PCS, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम आपको रटने, इनके अलावा RGIS में यू नीड टू नो नथिंग, यू नीड टू लर्न ओनली दिस GCS एंड PCS,
ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज जीसीएस एंड व्हाट इज पीसीएस, आपका अगर ये आपका बेस क्लियर हो गया आर्कजीआईएस को लेके, देन ट्रस्ट मी यू विल लर्न आर्कजीआईएस वेरी फास्ट और इवन फास्टर। ओके, सो लेट्स गेट और लेट्स डेल्व इनटू द डिटेल्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम? सिंपल सा लैंग्वेज में यू ऑलरेडी नो दिस दैट एक्स वाई इज अ कोऑर्डिनेट, बट ये है क्या? देखो सिंपल सी बात, आपको मैं अगर बता के समझाऊंगा तो भूल जाओगे, हम आपको दिखा के समझाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने एसी पर जाना है, ठीक है? अब डेटा फ्रेम में सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, सेंटर में लेके आओगे और राइट क्लिक। अब आप देखोगे फुल एक्स्ट, और आपको सबसे नीचे जाना है यहां पर, एंड यू विल क्लिक डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज। आफ्टर क्लिकिंग डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज यू विल क्लिक ऑन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको यू कैन सी एंड चेक दिस दैट इट इज रिटन हियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? और कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये सर्च बॉक्स। तो अब मेरे को मान लो चाहिए, मेरे को काम करना है जीसीएस में या मेरे को पीसीएस में। आई टोल्ड यू कि दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, द फर्स्ट इज जीसीएस दैट इज जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, आई टोल्ड यू पीसीएस दैट इज पीसीएस स्टैंड फॉर प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके, सो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जीसीएस क्या है और पीसीएस क्या है, ये समझ हम लेते हैं, ठीक है? अब देखो जीसीएस के पहले हम जीसीएस को समझेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, लेट्स एक्सपेंड इट। ओके, अब देखो जीसीएस में अंदर क्या क्या आ रहा है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, एटलांटिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैरेबिन, काउंटी सिस्टम्स, यूरोप, इंडियन ओशन, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, सोलर सिस्टम, साउथ अमेरिका, स्पेरॉइड एंड वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड को एक्सपेंड करेंगे, और वर्ल्ड में काफी सारे हैं, 1988 सारे हैं। हमें सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1994, सॉरी 8, बट हमें क्या चाहिए, हमें जीसीएस, सॉरी हमें डब्ल्यूजीएस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे डब्ल्यूजीएस 1984 को। तो जब भी आपको इंडिया के लिए काम करना है या किसी के लिए भी काम करना है, तो सबसे जो अच्छा माना जाता है दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डब्ल्यूजीएस 1984। तो आप क्या करोगे, डब्ल्यूजीएस 1984 पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है? अब देखो जैसे आपने डब्ल्यूजीएस 1984 पे क्लिक किया डबल, तो क्या आया कि नेम क्या है इसका, नेम है, देखो एक बार फिर से मैं इसको आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। देखो सबसे पहले स्क्रीन के सेंटर में आना है, राइट क्लिक करना है, सबसे नीचे डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद वर्ल्ड में जाना है, वर्ल्ड पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद सबसे नीचे जाना है और डब्ल्यूजीएस 1984 पर डबल क्लिक करना है। ओके, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, ठीक है? तो और अगर नहीं मिले आपको टेलीग्राम पर, तो आप मुझे मेल करिए, आई विल सेंड यू ऑल द नोट्स ऑफ आर्क जीआईएस जो मैंने बनाए हैं। मेरे नोट्स कुछ इस तरीके के हैं कि जिनमें मैं पहले आपको ऐसे बताता हूं कि मान लो आपको अपने डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टी सेट करना है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, आपको क्या करना है, आपको डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज में जाना है। देखो अब पहली बात ये समझो कि हम काम किस पे करते हैं, डेटा फ्रेम पर,
तो कोऑर्डिनेट किसके सेट करनी पड़ेंगे, डेटा फ्रेम के, और किसी चीज की अगर हमें सेटिंग करनी है तो हम उसकी किस में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में। मोबाइल खराब होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी सेटिंग में जाते हैं, लेकिन जब कभी आरजीआईएस खराब होता है तो हम कहाँ जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो डेटा फ्रेम के प्रॉपर्टीज में आप कैसे जाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम के सेंटर में जाओगे, यू विल गो टू द सेंटर ऑफ द डेटा फ्रेम, राइट, देन यू विल राइट क्लिक इन डेटा फ्रेम। तो आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम में राइट क्लिक करोगे। तो अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने क्या किया, एक बार मैं अपने फॉर्मूला से बताता हूँ। सेंटर में गए, राइट क्लिक किया, नाउ डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज, अब इसने क्या किया, आ गया, अब क्या ओपन हुआ, डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, क्या ओपन हुआ, DFP, डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तो कहीं पे ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा होगा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ लिखा है, ऊपर, यहां देखो आप, ठीक है, तो हियर यू कैन सी द कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इन नेक्स्ट स्टेप इट सेज गो टू GCS, इट मींस जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो मैंने नोट्स किस लिए बनाए हैं कि वीडियो कभी कभी क्या होता है दैट यू हैव वेरी लेस टाइम, सो इफ यू हैव वेरी लेस टाइम और जामिया का टाइम आ गया, आपको असाइनमेंट भी देना है, आपको शीट्स बनानी है, तो आप क्या करो, ये मेरे सारे नोट्स आप डाउनलोड कर लो, यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स, और आपको लगे कि हाँ जो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करना है तो जल्दी से नोट्स खोलो और सीधा सीधा लिखो कि डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज में जाना है और राइट क्लिक करना है डेटा फ्रेम पर, राइट क्लिक करके डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा, फिर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखेगा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यू कैन सी हियर, नाउ इट सेज दैट गो टू GCS, सो नाउ वी विल क्लिक ऑन द GCS, तो डबल क्लिक कर दिया GCS पर, नाउ इट सेज कि आपको GCS में क्या कहाँ पे जाना है, तो GCS में आपको जाना है WGS 1984 में। तो अब हम क्या करेंगे, वहां पे मैंने एग्जांपल, अब हम क्या करेंगे, वर्ल्ड में जाएंगे, वर्ल्ड में जाके आपको नीचे जाना है, फिर आपको WGS 1984 पे डबल क्लिक करना है, ठीक है, तो क्या आ गया, ऊपर आप देखो कि GCS WGS 1984, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि GCS WGS 1984, तो ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब हम इसकी आईडी चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि जो जामिया का वर्क होता है सारा, या आप इंडिया में कहीं भी वर्क कर रहे हो तो आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर वर्क करोगे। ओके, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिगनिंग में क्या होता है दैट वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेरी कंफ्यूज कि किस पर काम करें, WGS 1984 पर या 85 पर, सो GCS 1984 इज द बेस्ट। और इसके अलावा अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसकी आईडी याद कर लो, WKID 4326। ओके, बिकॉज इफ यू रिमेंबर दिस आईडी यू कैन डायरेक्टली सर्च। अब देखो एक तो मैंने आपको लॉन्ग वे बता दिया, आप ऐसे भी रख सकते हो कि मेरे को काम करना है 4326 पर, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये सब काट देता हूं, ठीक है, देखो सेंटर में गए, डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करा, अब यहां पे मेरा कितना आईडी लिखा है, तो आप देखो कि फारूक सर के नोट्स में कितना आईडी लिखा है, तो हमारे लिखा है 4326। अब हम इसको यहाँ पर सर्च करेंगे, 4326 क्लिक किया, नाउ आई विल क्लिक ऑन सर्च, आ गया ना, सो नाउ यू विल सिलेक्ट दिस WGS 1984। अब और हमें इसको समझना है, तो आप यहां से अप्लाई करके ओके भी कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे और आगे तक पढ़ना है इसको डिटेल में, सो नाउ आई विल क्लिक ऑन, आई विल मेक डबल क्लिक, सी सो नेम इज GCS WGS 1984, ओके,
एंड दिस इज अ स्पीरोइड। अब स्पीरोइड क्या होता है देखो, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, वो एक स्पीरोइड है, ठीक है। मान लो हमने जियोइड बोला उसको, ठीक है। अर्थ क्या है, पहले हम उसको स्पीयर मानते थे, ठीक है, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा जो है एग्जैक्ट राउंड नहीं क्रिएट करता, इसलिए हम उसको स्पीयर नहीं बोलते, ठीक है। तो इसलिए वो स्पीरोइड है, इसलिए उसको उन्होंने लगभग लगभग सेम उसके जैसा ही होता है स्पीयर के जैसा, तो स्पीरोइड उसका नाम बता दिया इन्होंने यहां पर, ठीक है। और यहां पे क्या है, WG 1984, क्योंकि यही हमें चाहिए। अब देखो, अब क्या होता है कि कोई भी जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या होते हैं, उसके दो एक्सिस होते हैं। फर्स्ट एक्सिस इज सेमी मेजर एक्सिस और सेकंड होता है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ये अभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस अब ये समझ लो कि 1984 में क्या होता है कि कोई भी जीसीएस है हमारा, तो उसके दो एक्सिस होते हैं। फर्स्ट इज सेमी मेजर एक्सिस, तो देखो इसका कितना है, 6 3 7 8 1 3 7, ठीक है। और इसका सेमी माइनर एक्सिस कितना है, 6 3 5 6 7 5 2, ठीक है। तो ये मेजर एक्सिस हो गया और एक माइनर एक्सिस हो गया इसका। अब नेम नेम देखो, अब देखो इसकी एंगुलर यूनिट क्या होती है, इसकी एंगुलर यूनिट अब देखो, क्योंकि यू कैन सी हियर, बिकॉज आई हैव नॉट सेट एनी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर वर्किंग टिल नाउ, सो इट इज शोइंग अनोन यूनिट्स। यहां पर वैल्यूज तो आ रहा है, बट यहां पर ये भी आ रहा है अनोन यूनिट्स, इट मीन्स नथिंग हैज बीन डिसाइडेड और सेट येट, ओके। बट सी, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट किससे मैच कर रहा है, इस यूनिट से, तो इस यूनिट से ये यूनिट कटा और इस अनोन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये एंगुलर, यानी कि ये डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, और प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन का नाम है यहाँ पे ग्रीनविच, ठीक है। इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ये हम ओके कर देंगे। अब हमने ये सिलेक्ट किया, हम ये वाला लेंगे जीसीएस, ठीक है, ओके, अप्लाई, ओके। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि इसकी जो जीसीएस होता है, इसकी जो एंगुलर यूनिट होगी वो क्या होगी, डिग्री। तो यहां पे क्या आ गया, डिग्री। और पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था हमारा एंगुलर, सॉरी, पहले आ रहा था हमारा अनोन यूनिट्स, पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था हमारा, सॉरी, अरे चलिए, तो फर्स्ट हमारा क्या आ रहा था, हमारा सबसे पहले आ रहा था अननोन यूनिट्स, मुझे माउस से लिखना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई कांट राइट प्रॉपरली। तो पहले क्या आ रहा था, पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसकी यूनिट आ रही थी अनोन, ओके, क्या आ रहा था, अनोन आ रही थी। और अब जब मैंने उसका उसको जीसीएस 1984 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या आ गया, तो आ गया डिग्री। तो हमने से क्या समझा कि जब तक हमने कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट नहीं करा तो उसकी यूनिट क्या आएगी, अनोन। और जब जब हमें अनोन दिखेगा तब तक हमें क्या समझ में आ जाएगा कि हमें उसकी सेट करनी है, क्या क्या सेट करना है, हमें उसकी सेट करनी है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हमने क्या देखा, दैट आफ्टर सेटिंग जीसीएस,
जोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी हैव गॉट डिग्री एज अ यूनिट, इट मींस जीसीएस का यूनिट क्या होता है? डिग्री। ओके, तो अब ये बात आप हमेशा याद रखना कि जीसीएस पे काम करोगे तो यूनिट क्या आएगी? यूनिट आएगा आपका डिग्री। ओके, डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखो।